हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्वालिफायर। दिस इज धर्मेंद्र नरूका एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस सम लिटरेचर फॉर्म्स। लिटरेचर फॉर्म्स में हम बात कर रहे हैं स्टेंजा फॉर्म्स की, और इस सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं चौसेरियन स्टेंजा या राइम रॉयल के बारे में। क्या होता है चौसेरियन स्टेंजा और राइम रॉयल, लेट्स डिस्कस। देखिएगा, चौसेरियन स्टेंजा कह दीजिएगा या राइम रॉयल कह दीजिएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। इट इज ए सेवन लाइन स्टेंजा राइमिंग ए बी ए बी बी सी सी। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ चौसेरियन स्टेंजा। सेवन लाइन का स्टेंजा होता है माय डियर, है ना। इसको आप याद रखना, कितने लाइन का स्टेंजा होता है, सेवन लाइन्स का ये स्टेंजा होता है, और जिसकी राइमिंग जो राइम स्कीम है वो होती है ए बी ए बी बी सी सी। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया चौसर ने। किसने किया? जॉफ्रे चौसर ने। इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? चौसेरियन स्टेंजा के नाम से जाना जाता है। वहीं बात करें, इसको राइम रॉयल क्यों कहा जाता है, उसके पीछे क्या कारण है। इट केम टू बी नोन एज द राइम रॉयल बिकॉज किंग जेम्स फर्स्ट ने इस स्टेंजा का यूज उनके वर्क किंग्स स्क्वायर में किया था, इसीलिए ये पॉपुलर हुआ और इसे किस नाम से जाना गया, राइम रॉयल के नाम से जाना गया। तो आप सिंपल समझिएगा, चौसेरियन स्टेंजा या राइम रॉयल जो होता है वो सेवन लाइन का स्टेंजा होता है। उसकी राइम स्कीम आप डिजिटल पैनल पर देख सकते हो, ए बी ए बी बी सी सी। इसको इंट्रोड्यूस किसने किया माय डियर? चौसर ने। और इसको राइम रॉयल क्यों कहा जाता है? बिकॉज किंग जेम्स फर्स्ट यूज्ड दिस स्टेंजा इन हिज वर्क किंग स्क्वायर, सो इट इज नोन एज राइम रॉयल। So is that clear? कि चौसेरियन स्टेंजा माय डियर स्टूडेंट क्या होता है। बात करें अगर एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में चौसर का जो वर्क है पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, इसमें इसका यूज किया गया है। साथ ही साथ शेक्सपियर का द रेप ऑफ ल्यूक्रीस, ये भी वर्क इस स्टेंजा में लिखा गया है, सेवन लाइन स्टेंजा के अंदर लिखा गया है। दो बड़े एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको कि इन वर्क्स के अंदर चौसेरियन या राइम रॉयल का यूज माय डियर स्टूडेंट किया गया है। ऐसे ही फैक्ट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।